माननीय सभापति महोदय, इस बात पे विचार करें आप। मोदी जी, सभापति महोदय, सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक अपने राज्य की जनता को स्वस्थ रखना है। हर विधानसभा क्षेत्र, चाहे वहां से किसी भी दल का विधायक हो, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ राज्य में चालू चिकित्सा योजना, चाहे वे किसी भी सरकार द्वारा चालू की गई थी, को बंद करने के बजाय उसे और अधिक कामयाब बनाना मौजूदा सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे इस सदन में यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि परिवर्तित बजट 24-25 में मेरे विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में चिकित्सा के नाम पर एक रुपया नहीं दिया गया। उल्टे जो जिला अस्पताल 2 साल पहले 50.84 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 2 साल से चल रहा है, उसे बजट घोषणाओं में शामिल करते हुए जनता को भरमाने का काम किया। नीम का थाना नया जिला बना है, अतः आने वाले समय में आबादी का दबाव काफ़ी बढ़ने की संभावना है एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसी महामारी की आठ से चिकित्सा तंत्र को मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा विभाग के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 3-4 माह में साइलेंट हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि से मरने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कैंसर जैसी महामारी से तो पहले ही मरीज बहुत ज़्यादा मरते जा रहे हैं, लेकिन इन 4-5 महीनों में इन 2 बीमारियों से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जनता इसे कोरोना में लगे वैक्सीन से जोड़कर देख रही है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ बात यह होती है कि कोरोना का वैक्सीन लगा, इसके बाद से साइलेंट हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की से मौतें हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इन रोगों से बढ़ रही मौतों के कारणों की जांच कराएं एवं इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम लगाई जाए जो कारणों की जांच करे और इसे कम करने के उपाय करे। मेरा आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 2 PHC को CHC में क्रमोन्नत करने का निवेदन करता हूँ। सर्वप्रथम अति आवश्यक जो ग्राम सिरोही की PHC को CHC में क्रमोन्नत करना है, यह मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ पे अल्ट्राटेक की सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ हजारों कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ से 2 बाईपास भी गुजरते हैं जिन पर यातायात का बहुत दबाव है एवं यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ की OPD 58,910 एवं IPD 7,502 है। यहाँ पर दानदाता द्वारा अच्छा और बड़ा भवन बनाया हुआ है जिसमें CHC शुरू की जा सकती है। दूसरी एक आवश्यक PHC जिसे CHC में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है, वह माउंडा खुर्द है जो 5 पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है, जहाँ भी OPD 26,726 और IPD 666 है। इसी प्रकार एक नई PHC ग्राम नाथा की नांगल में खोलने की महती आवश्यकता है, जो अभी PHC से जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। दूसरी PHC बासरी खुर्द में खोलने की आवश्यकता है, जो भी कई गांवों और पंचायतों के निवासियों को लाभ देगी। मेरा जिला मुख्यालय नीम का थाना में MCH का एक नया भवन बनकर तैयार है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र इसके लिए स्टाफ के पदों की स्वीकृति देकर पोस्टिंग दी जाए, जिससे कि कोई भी कमी निर्माण कार्य में या अस्पताल की सुविधाओं में रह रही है तो वो स्टाफ के लोग जांच कर लें। स्टाफ को बिठाने के लिए इसी परिसर में PWD के कमरे हैं जिनको उपयोग में लाया जा सकता है। इस MCH में ब्लड बैंक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस MCH में एक ब्लड बैंक व ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति भी शुरुआत में कर दी जाए तो यह एक बहुत उपयोगी संस्थान बन सकता है। चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ की कमी को भी शीघ्र दूर करने का प्रयास करें। मेरा चिकित्सा शिक्षा के बारे में एक निवेदन है कि पिछली सरकार ने
हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और अधिकांश जिलों में इनका काम चालू भी कर दिया था। अब नए जिले बनाए गए हैं, अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि उसी तर्ज पर नए बने जिलों में भी मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी जावे। यहाँ मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि नीम का थाना जिला मुख्यालय पर MCH हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और जिला अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अतः मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता होती है वे यहाँ उपलब्ध है। शेखावाटी के लोग चिकित्सा सेवाओं में सबसे ज़्यादा हैं, अतः यहाँ नर्सिंग कॉलेज खोलने से यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अनीता, श्रीमती अनीता बधेल।